हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेसलिंग बादशाह। मैं हूं यश। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 रिटर्न्स के बारे में जो हो सकते हैं आने वाले टाइम में इन WWE। दोस्तों, WWE को अभी स्टार पावर की काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि उनकी रेटिंग्स जो है वो काफ़ी कम आ रहे हैं और शो में हार्डली कोई बड़े स्टार्स है, सिर्फ है वैनिला मिजेट्स। और आपको जैसे पता है कि वैनिला मिजेट्स रेटिंग स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते, और इसी की वजह से विंस को चाहिए बहुत बड़े स्टार पावर्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसे बड़े रिटर्न्स का जो हो सकते हैं WWE में और उन्हें बेनिफिट दिला सकते हैं। नंबर 5 इज द राउडी रोंडा राउजी। जब रोंडा राउजी आई थी WWE में, तब से लेकर रेसलमेनिया 35 तक विमेंस डिवीजन जो है वो मेन से ऊपर गया था। मेन स्ट्रीम अटेंशन, स्पॉटलाइट, बड़े स्टोरी लाइन्स सभी इन्वॉल्व थे विमेंस डिवीजन में। और जब से रोंडा राउजी गई है, तब से विमेंस डिवीजन खत्म हो गया है एक तरह से। और जो उनका एवोल्यूशन पेपर व्यू था वो इस साल नहीं हुआ, लास्ट ईयर भी नहीं हुआ था, क्योंकि वो इसलिए क्योंकि रोंडा राउजी को छोड़कर बाकी की जो विमेंस है जो ओवररेटेड है वो लोग अरेनास फील नहीं कर सकते, और टिकट सेल नहीं हुए, इसकी वजह से एवोल्यूशन पेपर व्यू भी नहीं हो पाया और विमेंस डिवीजन से एक बड़ा नाम चला गया। तो दोस्तों, रिपोर्ट्स आई है कि रोंडा राउजी अपना रिटर्न कर सकती है इस साल के एंड में या फिर डायरेक्टली नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में। वो रॉयल रंबल में आ सकती है या फिर वो रॉयल रंबल के बाद आ सकती है, ताकि उनकी मैच हो सके बहुत बड़ी एट रेसलमेनिया 37। तब तक सिचुएशन भी ठीक हो जाएंगे एंड रोंडा राउजी की बहुत बड़ी मैच हमें देखने मिलेगी। नंबर 4 इज शेन मैकमैन। जब शेन मैकमैन थे टेलीविजन पर, तभी वो काफ़ी अच्छे रेटिंग्स लाते थे, एक अच्छा हील अथॉरिटी फिगर वो निभा रहे थे, जस्ट लाइक हिज फादर विंस मैकमैन। और जो उनकी राइवलरी चल रही थी लाइक केविन ओवंस के साथ, रोमन रेंस के साथ, इवन रोमन रेंस एंड अंडरटेकर के साथ काफ़ी ढांसू थी। और रॉ के रेटिंग्स अभी बहुत कम हो चुके हैं, तो अभी रॉ को चाहिए एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल नाम, और वो हो सकते हैं शेन मैकमैन। तो अगर विंस मैकमैन को एक हील अथॉरिटी वाला रोल करना है, तो वो ला सकते हैं शेन मैकमैन को। तो ऐसे हमें शेन मैकमैन का तगड़ा रिटर्न देखने मिलेगा, और हमें देखने मिलेंगे काफ़ी ज़बरदस्त एंड ढांसू स्टोरी लाइन्स विद शेन मैकमैन। एंड ऐसे फिर रॉक के रेटिंग्स भी स्पाइक हो जाएंगे। अगर शेन आते हैं तो मैं काफ़ी खुश होऊंगा। नंबर 3 इज गोल्डबर्ग। रेसलमेनिया 36 में गोल्डबर्ग वर्सेस रोमन रेंस की मैच होने वाली थी फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप, पर वो मैच कैंसिल हो गई क्योंकि रोमन रेंस ने इस पैंडेमिक के सिचुएशन की वजह से बैक ऑफ कर लिया था। इसलिए उनकी मैच हुई ब्रॉन स्ट्रोमैन के साथ, और ब्रॉन स्ट्रोमैन ने शॉकिंगली हरा दिया गोल्डबर्ग को और जीत लिया यूनिवर्सल चैंपियनशिप। अभी सभी गोल्डबर्ग के फैंस वेट कर रहे हैं गोल्डबर्ग के रिटर्न के लिए, क्योंकि गोल्डबर्ग के एक झलक से ही 3 मिलियन रेटिंग्स ड्रॉ हो जाते हैं, और विंस को यही चाहिए रेटिंग्स, अटेंशन, स्पॉटलाइट एंड एक बिग मैच फील, जो कि इंडी वैनिला मिजेट्स ला नहीं सकते, जो वर्क रेट वाले जोकर्स होते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि WWE ने रिसेंटली गोल्डबर्ग के काफ़ी वीडियोज डाले थे। इसका मतलब दोस्तों, WWE हिंट कर रहे हैं कि गोल्डबर्ग का रिटर्न हो सकता है बहुत जल्द। एंड अभी समर स्लैम पेपर व्यू आने ही वाला है, और विंस को रखने हैं बहुत बड़े मैचेस ऑन द समर स्लैम मैच कार्ड, तो हमें गोल्डबर्ग की भी मैच देखने मिल सकती है ऑन समर स्लैम। तो फिर देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या रोमन रेंस वर्सेस गोल्डबर्ग की मैच होती है एट समर स्लैम, या फिर गोल्डबर्ग वर्सेस रैंडी ऑर्टन की, या फिर कोई और। मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ गोल्डबर्ग के रिटर्न के लिए। आप है कि नहीं, मुझे बताइए कमेंट्स में। नंबर 2 इज रोमन रेंस। WWE से लेकर रोमन रेंस के सारे फैंस तक, सभी लोग वेट कर रहे हैं डेस्परेटली रोमन रेंस का। और दोस्तों, समर स्लैम में विंस को चाहिए तगड़ा मैच कार्ड एंड चाहिए तगड़ा स्टार पावर। और जैसे आपको पता है कि रोमन रेंस है फेस ऑफ द कंपनी, तो वो चाहेंगे कि कैसे भी करके रोमन रेंस समर स्लैम का पार्ट हो जाए। और दोस्तों, रोमन भी बीच बीच में हिंट दे रहे हैं कि वो वापस आ सकते हैं एंड चैलेंज कर सकते हैं डायरेक्टली यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। तो ये तो है कि रोमन रेंस का रिटर्न तो बहुत जल्द हमें देखने मिल सकता है, शायद समर स्लैम में या फिर उसके बाद। पर जब भी वो आएंगे, वो डायरेक्टली जा सकते हैं यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। बट अगर विंस प्लान चेंज करते हैं और इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप है जिसका प्रेस्टीज जा चुका है, अगर उसको प्रेस्टीज दिलाना है, तो विंस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप रोमन रेंस को दे सकते हैं उसकी प्रेस्टीज बढ़ाने के लिए। एंड देन थोड़ा आगे जाकर रोमन कम्पीट कर सकते हैं फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप एंड वो जीत भी सकते हैं। सो लेट्स सी कि कब होता है फाइनली द बिग डॉग का रिटर्न। एंड द नंबर 1 जॉन मॉक्सली AKA डीन एम्ब्रोस। जैसे कि आपको पता है कि जॉन मॉक्सली जो है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं AEW में, और वो वाकई AEW वर्ल्ड चैंपियन भी बन चुके हैं।
अभी फिलहाल वो आइसोलेशन में है क्योंकि उनकी वाइफ जो है रेने यंग वो पॉजिटिव हो चुके हैं कोरोना वायरस से। बट गुड न्यूज़ ये है कि जॉन मॉक्सली ने जितने भी टेस्ट कराए हैं वो सारे के सारे नेगेटिव निकले हैं फॉर कोरोना वायरस। सो वी कुड सी कि जॉन मॉक्सली कम्पीट कर सकते हैं AEW में। पर दोस्तों आने वाले टाइम में अगर जॉन मॉक्सली चैंपियनशिप हारते हैं किसी को और फिर उसके बाद उनके कॉन्ट्रैक्ट में एक साल का टाइम है उसमें वो डिसाइड कर सकते हैं कि वो कहाँ जाना चाहते हैं और कहाँ रहना चाहते हैं। और आपको पता ही है कि WWE में जॉन मॉक्सली AKA डीन एम्ब्रोस को काफ़ी तगड़ा पुश दिया था, उनको मेन इवेंटर वाला पुश दिया था। हाँ बीच में पुश थोड़ा रुक गया था बट स्टिल डीन एम्ब्रोस AKA जॉन मॉक्सली वहाँ के मतलब WWE के ग्रैंड स्लैम चैंपियन है। तो दोस्तों उनके कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से वो डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें कहाँ पर जाना है। एक बार वो अपनी चैंपियनशिप जो है वो वहाँ पर ड्रॉप कर देते हैं किसी को तो उनका रास्ता क्लियर हो जाता है WWE में आने के लिए। एंड विंस तो उन्हें ओपन आर्म्स के साथ वेलकम कर सकते हैं। एंड देन जब डीन एम्ब्रोस AKA जॉन मॉक्सली आ जाएंगे WWE में तो फिर हमें देखने मिल सकता है उनका एक डोमिनेटिंग पुश। तो दोस्तों जब डीन एम्ब्रोस AKA जॉन मॉक्सली आएंगे वापस WWE में तो वो बन सकते हैं यूनिवर्सल चैंपियन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। एंड देन हमें डेफिनेटली द शील्ड का रीयूनियन देखने मिल सकता है। यूनिवर्सल चैंपियन इसलिए क्योंकि डीन एम्ब्रोस ने एक बार भी यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीती नहीं है। तो अगर वो आते हैं तो वो यूनिवर्सल चैंपियनशिप की इंपॉर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इन्होंने सभी चैंपियनशिप जीत ली है, अब बस बाकी है यूनिवर्सल चैंपियनशिप। सो अगर वो आते हैं WWE में सो ही कैन विन द यूनिवर्सल चैंपियनशिप एंड काफ़ी मजा आएगा हमें उन्हें देखने के लिए एज अ यूनिवर्सल चैंपियन। तो फिर हमें देखना होगा कि जॉन मॉक्सली का क्या डिसीजन होता है इसके बारे में और वो कब आते हैं WWE में। जब वो आएंगे तभी उनको 100% तगड़ा पुश मिलेगा एंड हमें 100% देखने मिलेगी द शील्ड। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसी लगी हमारी वीडियो और मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए फर्स्ट आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो एंड सेकेंड इनमें से आप किसके रिटर्न के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड है। सो गाइस प्लीज प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल रेसलिंग बादशाह। पीस आउट।